हेलो दोस्तों, मैं शिवम फ्यूचर फार्मा एफपी चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे गाउट के बारे में, जिसे गांव की लैंग्वेज में या देसी भाषा में सामान्य भाषा में इसे गठिया बोला जाता है। ये उम्र से जुड़ी बीमारी है जो कि कॉमन बीमारी है। आज की इस बदलती जीवन शैली में मोटापा हो गया, गलत खान पान हो गया, उसकी वजह से बीमारी बुजुर्गों में ना सीमित रह के आजकल युवाओं में भी ये देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गाउट, जिसे गठिया बोलते हैं, तो ये बीमारी क्यों होती है, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कौन कौन से प्रिवेंशन है, कौन कौन सी डायग्नोसिस की टेक्निक है जिससे हम ये पता करते हैं कि हमें गठिया है या कोई और सिम्टम्स हैं, एंड कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि बेसिकली इसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो इन सारे बिंदुओं पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी मिस ना हो पाए। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझ लेते हैं गाउट के बारे में। तो गाउट क्या होता है? तो गाउट इज अ कंडीशन दैट अकर ड्यू टू हाइपर यूरेसिमिया। मतलब गाउट एक ऐसी कंडीशन होती है, इस वजह से होती है जब हमारी बॉडी में हाइपर यूरेसिमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि हाइपर यूरेसिमिया क्या है? तो हाइपर यूरेसिमिया का मतलब, हाइपर का मतलब ज़्यादा एंड यूरेसिमिया का मतलब यूरिक एसिड। तो जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर यूरेसिमिया, एंड इसकी वजह से जो बीमारी या जो कॉज देखने को मिलता है वो होता है गाउट। मतलब गाउट जो बीमारी होती है वो इस वजह से होती है कि जब हमारी बॉडी में हाइपर यूरेसिमिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, एंड हाइपर यूरेसिमिया का मतलब होता है कि यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाना। अब यूरिक एसिड क्या है, इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो दिस यूरिक एसिड इज अ मेटाबोलिक प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन्स। मतलब जो यूरिक एसिड होता है ये मेटाबोलिक प्रोडक्ट होता है प्यूरिन्स का। अब प्यूरिन्स क्या है, इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जो भी लिविंग्स होते हैं, जैसे वो ह्यूमंस की बात करें, तो स्पेशली इसमें डीएनए एंड आरएनए मोस्टली पाया जाता है। एंड ये डीएनए एंड आरएनए होता है, ये बेसिकली नाइट्रोजन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, एंड उसी की बेसिकली बेसिक यूनिट होती है प्यूरिन्स, एंड इसी के मेटाबोलिज्म से हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। एंड यही यूरिक एसिड जब हमारी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो जिसकी वजह से हाइपर यूरेसीमिया होती है, एंड इसी हाइपर यूरेसीमिया की वजह से बेसिकली गाउट जैसी समस्या हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा, अब ये समझ में आ गया कि यूरिक एसिड बढ़ता है इस वजह से होती है। अब यूरिक एसिड ऐसा क्या करता है, इस चीज़ को समझते हैं। तो यूरिक एसिड जो है बेसिकली क्रिस्टल फॉर्म में बन जाते हैं जब ये ब्लड में ज़्यादा आ जाते हैं। तो यही सब जो क्रिस्टल फॉर्म है ये बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, चाहे वो लेग का जॉइंट हो या हैंड का जॉइंट हो या नी जॉइंट हो, कोई भी जो जॉइंट्स होता है, तो वहाँ पे जाके बेसिकली ये जो क्रिस्टल होते हैं ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ये जब डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पे बेसिकली WBC जो है एक्टिवेट हो जाती है, फिर वहाँ पे इंफ्लामेशन देखने को मिलता है एंड रेडनेस आती है, स्किन लाल हो जाती है, इसके साथ साथ सीवियर पेन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक अबाउट गाउट के बारे में कि एक्चुअली में गाउट क्या होता है, किस वजह से होता है। आई होप सो ये अभी तक आपको कंफर्म हो चुका होगा। आइए इमेज के द्वारा देख लेते हैं कि एक्चुअली में कैसे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इमेज हैं जिसके द्वारा आपको ये चीज़ कन्फर्म हो पाएगी एक्चुअली में गाउट होता कैसे। तो ये बेसिकली हमारा देख सकते हैं यहाँ पे, ये लेग का जो जॉइंट्स है, मतलब कि जो हमारा लेग होता है वहाँ पे एक जॉइंट है एग्जाम्पल के तौर पे है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो येलो सब्सटेंस दिख रहा है ये बेसिकली यूरिक एसिड है। यही यूरिक एसिड जो है हमारे जॉइंट्स में जब अक्यूमुलेट हो जाता है तो इस वजह से जो WBC वो एक्टिवेट होती है, उसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, एंड उस इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ पे पेन होता है, रेडनेस होती है, एंड यहाँ पे जलन जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो ये था बेसिकली यूरिक एसिड का डिपोजिशन कैसे होता है, ये चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड हमारे जॉइंट्स में जमा होता है। तो आई होप सो ये चीज़ अभी तक आपको कंफर्म हो चुकी होगी। आइए यहाँ पे एक इमेज के थोड़ा और समझ लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्या है कि हमारा हेल्थी लेग है, मतलब कि जो नॉर्मल लेग होता है वो कुछ इस प्रकार देखने को यहाँ पे मिलता है। बट बात करें यूरिक एसिड के डिपोजिशन के बाद, जिसे गाउट बोलते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि सबसे पहले जब यूरिक एसिड बनना स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो इससे पहले जो साइनोवियल फ्लूइड होता है जो जॉइंट्स के बीच पाया जाता है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, फिर वहाँ पे स्वेलिंग आएगी, फिर जो ये यूरिक एसिड जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं, सिरिंज लाइक जो इंजेक्शन होता है उसकी जो सिरिंज होती है उस टाइप कुछ यहाँ पे देखने को मिलते हैं यूरिक एसिड के क्रिस्टल। एंड यही क्रिस्टल जो है हमारे बेसिकली जो जॉइंट्स होता है वहाँ पे पिन होना स्टार्ट हो जाता है, अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से बेसिकली गाउट जैसी समस्या देखने को मिलती है। तो आई होप सो अभी तक आपको गाउट क्या है इसकी जानकारी पूरी कंफर्म हो चुकी होगी। आइए अब हम फर्दर समझते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं जब ये समस्या होती है। तो फ्रेंड्स बात करें सिम्टम्स की, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ पे गाउट जैसी समस्या हुई है, जिस जॉइंट्स पे हुई, तो वहाँ पे इंटेंस पेन देखने को मिलता है, मतलब अचानक से काफ़ी तेज पेन वहाँ पे होने लगता है। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें तो वहाँ पे डीकलरेशन होगा, इसके साथ साथ रेडनेस आएगी,
इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि इस इमेज के थ्रू यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है यहाँ पे गाउट हुआ है, मतलब गाउट जैसी समस्या हुई, यहाँ पे यूरिक एसिड का जो है डिपोजिशन ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्किन है वो रेड हो गई है, या डिकलरेशन हुआ है। तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी उस दौरान। इसके साथ साथ नेक्स्ट बात करें तो स्टिफनेस आएगी। स्टिफनेस का मतलब कि वो जो स्किन है, मतलब जो फिंगर है, जैसे कि यहाँ इस इमेज के थ्रू आप देख सकते हैं, वो काफी कठोर हो जाएंगी, जल्दी मूव नहीं होती है एंड काफी कठोर एंड हार्ड हो जाती है। तो ये समस्या आपको देखने को मिल जाती है गाउट के दौरान। नेक्स्ट बात करते हैं स्वेलिंग की, उस पार्टिकुलर स्थान पे क्या है बेसिकली आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। जैसे इस इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं ये नॉर्मल फिंगर, बट यहाँ पे देख सकते हैं कितनी स्वेलिंग है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हमें गाउट के दौरान देखने को मिल जाते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कॉजेस की, क्या बीमारी के इस कारण होते हैं जिस वजह से ये देखने को मिलती है। तो सबसे पहला ये है कि हाई प्यूरिन डाइट की वजह से, अगर आप ज़्यादा प्यूरिन कंटेनिंग डाइट यूज करते हैं तो उस दौरान ये बीमारी देखने को मिल जाती है, क्योंकि प्यूरिन की वजह से ही होती है। तो अगर आप वैसी ही डाइट लेंगे तो उस प्यूरिन की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये बीमारी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा, या मेन रीजन है इस बीमारी होने का। नेक्स्ट जो है अल्कोहल ड्रिंकिंग, मतलब अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन से या पीने से भी ये बीमारी देखने को मिल जाती है। उसके तरह नेक्स्ट बात करें डिहाइड्रेशन के द्वारा। डिहाइड्रेशन मतलब कि जब हमारी बॉडी से फ्लूइड ज़्यादा लॉस हो जाता है या वाटर की कमी हो जाती है, तो उस दौरान भी ये समस्या हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें कुछ मेडिसिन, स्पेशली मेडिसिन की बात करें तो वो मेडिसिन इस कैटेगरी में आती हैं जो डायुरेटिक होती हैं। मतलब जो हमारी बॉडी में बेसिकली क्या काम करती है, जो ऐसी मेडिसिन जब हमारी किडनी से रिलेटेड कोई समस्या होती है तो उस दौरान हम डायुरेटिक क्लास की मेडिसिन लेते हैं। और वो मेडिसिन क्या है, यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी से फ्लूड लॉस हो जाता है, वाटर लॉस हो जाता है, जिस वजह से डिहाइड्रेशन होता है। तो अगर आप डायुरेटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स बात करें नेक्स्ट तो हाई सोडियम, अगर आप ऐसे सब्सटेंस का यूज ज़्यादा करें या ऐसे फूड का यूज ज़्यादा कर रहे हैं जिसमें हाई सोडियम की मात्रा प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से भी बेसिकली ये बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे बेसिक रीजन जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। आइए अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की, मतलब कौन कौन से रिस्क हैं अगर ये बीमारी होती तो आपको उस दौरान देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें आता है ओवरवेट, मतलब अगर आपकी बॉडी का जो वेट बढ़ सकता है, इसके साथ साथ जिसे मोटापा भी बोलते हैं, तो ऐसी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें तो आपको कंजक्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है, जिसे चेचअप बोलते हैं, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड आपको समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें तो डायबिटीज़, मतलब आपको ब्लड में शुगर लेवल की मात्रा भी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करें तो हाइपरटेंशन की कंडीशन भी आपकी हो सकती है, मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। नेक्स्ट बात करें तो हो सकता है क्योंकि किडनी से रिलेटेड आपको डिजीज़ होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिल्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं, तो आपको किडनी से रिलेटेड बीमारी भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करें तो ब्लड कैंसर जैसी भी समस्या आपको इस दौरान देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये बेसिक कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो कि अगर आपके गठिया है या गाउट है तो उस दौरान ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, या ऐसी समस्या आपके हो सकती हैं। तो आई होप सो अभी तक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। आइए फर्दर बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, कि एक्चुअली में ऐसा हम क्या करें जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। तो पहला है कि आप लो प्यूरिन डाइट का यूज करिए, कम खाइए, या यूज मतलब ऐसी डाइट कम यूज करिए जिसमें प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है वो डायबिटिक क्लास की मेडिसिन का कम से कम यूज करिए। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो है अपनी बॉडी का जो वेट है उसको नियंत्रित करें, उसको मैनेज करें, उस पर प्रॉपर डाइटिंग करें एंड योगा एक्सरसाइज जो भी चीज़ें हैं उस करके आप अपनी बॉडी का जो वेट है उसको मेंटेन करें। नेक्स्ट जो है वो टेक काफ़ी, क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है जो कि काफ़ी इफेक्ट डालता है गाउट की समस्या को ट्रीट करने में, तो काफ़ी का यूज़ थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको एल्कोहल का जो कंजप्शन है, एल्कोहल का जो यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए, एकदम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मेन रीजन होते हैं ये कुछ बेसिकली जिसकी वजह से गाउट होती है। तो अगर आप इसका यूज़ बंद कर दें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो आप ऐसे सब्सटेंस का ज़्यादा यूज करिए जिसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, खट्टे पदार्थ स्पेशली जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, तो ऐसे सब्सटेंस का आप ज़्यादा यूज करिए। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे प्रिवेंशन, जिसको करने से बेसिकली क्या है कि आपको गाउट की जैसी समस्या से बच सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस की, कि हम बेसिकली कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे हमें पता होगा कि बेसिकली हमें गाउट है, मतलब गठिया ही है। तो इसके कुछ लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं जिसके भी आप ये चीज़ें पता हो पाती है कि एक्चुअली में आपको गठिया ही हुआ है या कोई और सिम्टम्स है या और कोई बीमारी है। तो उसके लिए सबसे पहले यूरिक एसिड टेस्ट होता है जो कि हमारी लैब में परफॉर्म किया जाता है, उसके द्वारा भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप एक्सरे के द्वारा भी ये पता किया जा सकता है कि आपको गठिया है या नहीं है। इसके द्वारा सिटी स्कैन के द्वारा भी ये चीज़ पता की जा सकती है। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म करके आपको ये चीज़ कन्फर्म कर देंगे कि आपको कौन सी स्पेशल बीमारी हुई है, चाहे गठिया हो या कोई भी हो। तो गठिया के केस में बेसिकली ये कुछ स्पेशल टेस्ट हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं। आइए फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की, कि एक्चुअली में इसका इलाज कैसे किया जाता है, कौन कौन से इलाज हैं जो अवेलेबल होते हैं।
तो इसके इलाज के लिए बेसिकली कुछ स्पेशल मेडिसिन की कैटेगरी है जो कि यूज की जाती हैं, तो उसमें बात करते हैं। चार मेडिसिन क्लास होती है बेसिकली, उसमें पहली है यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन यूज की जाती है जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस को हमारी बॉडी में बंद कर देती है। नेक्स्ट जो क्लास है वो होगी, अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो उसको निकालने के लिए कुछ मेडिसिन यूज की जाती है, मतलब कि एसिड यूरिक एसिड रिमूवल मेडिसिन। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ मेडिसिन जो एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन दी जाती है जो कि पेन स्वेलिंग एंड रेडनेस को कम करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। एंड नेक्स्ट बात करें तो कुछ पेन किलर हैं जो कि बेसिकली सीवियर पेन होता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज की जाती हैं। तो ये कुछ क्लास की मेडिसिन है जो कि यूज की जाती हैं। आइए वन बाई वन समझ लेते हैं मेडिसिन के नाम एंड उसकी डोज क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिक एसिड ब्लॉक मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जो बेसिकली हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की सिंथेसिस को बंद करने वाली दवाइयाँ। तो उसमें सबसे पहले जो है वो है फेबेक्सोस्टेट के नाम से आपको जिली मेडिकल स्टोर पे ये टेबलेट मिल जाएगी। इमेज में आप देख सकते हैं फेबेक्सोस्टेट के नाम से आती है एंड इसके अंदर जो ड्रग कंपोजिशन पाया जाता है वो फेबेक्सोस्टेट, इसमें बेसिकली ड्रग पाई जाती है। 40 mg की टेबलेट होती है। डोज की बात करें तो डोज जो पेशेंट पे डिपेंड करती है उसकी क्या कंडीशन है एंड कितना सीवियर कंडीशन है तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर डायग्नोस करता है, बट यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए हैं। तो ये ओनली वीडियो आपकी नॉलेज पर्पज के लिए, कोई भी मेडिसिन किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब ना करें। बात करते हैं डोज की, तो फेबेक्सोस्टेट जो टेबलेट होती है उसकी जो डोज की बात करें तो ये ओडी यूज करनी होती है, 40 mg दिन में एक बार इसकी यूज करनी होती है। इसी तरह बात करें नेक्स्ट जो इस कैटेगरी की मेडिसिन है वो है एलोप्यूरिनोल जो है बेसिकली वो नेक्स्ट मेडिसिन है। बात करते हैं इसके इमेज की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाती है। एलोप्यूरिनोल जो है इसके अंदर बेसिकली ड्रग पाई जाती है एंड एलोप्यूरिक नाम से इजिली मेडिकल स्टोर पे ये मिल जाएगी। बात करते हैं इसके डोज की, तो बेसिकली इसकी डोज जो है 100 mg बीडी यूज करनी होती है, मतलब 100 mg जो है इसकी दिन में दो बार यूज करनी होती है। तो ये बेसिकली इसकी हो गई डोज एलोप्यूरिनोल टेबलेट की, इस प्रकार को देखने को मिल जाती है। बात करते हैं इसी क्लास की जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है प्रोबेन सीड जो है बेसिकली नेक्स्ट मेडिसिन है एंड इसकी डोज की बात करें तो ये क्या है 500 mg दिन में एक बार इसका यूज करना होता है। आइए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्लास की मेडिसिन, तो वो है एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन, मतलब ऐसी मेडिसिन जो बेसिकली क्या है हमारी बॉडी में या हमारे जॉइंट्स पे जो इन्फ्लामेशन होता है, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गई, जलन हो गया, तो उन सारी चीज़ों को कम करने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है तो उनको बोलते हैं एंटी इंफ्लामेटरी मेडिसिन। तो उसी में सबसे ज़्यादा गाउट के दौरान यूज की जाने वाली मेडिसिन जो है वो है कोल्चिसिन जो है बेसिकली नाम है इस मेडिसिन का एंड इसके अंदर जो है ड्रग भी कोल्चिसिन ही पाई जाती है एंड ये मेडिसिन एंटी गाउट की तरह यूज की जाती है, स्पेशली गाउट के केस में यूज की जाती है। बात करें इसके डोज की तो 0.5 mg दिन में एक बार इसका यूज करना होता है कोल्चिसिन टेबलेट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली वीडियो खत्म होती है। आज की इस वीडियो में हमने जान लिया गाउट की संपूर्ण जानकारी। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको नई जानने को मिली होंगी। इसी तरह फर्दर अगर आप चाहते हैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव शॉर्ट वीडियो के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए डिजीज से जुड़ी, हेल्थ से जुड़ी एंड मेडिसिन से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।